अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कांड मास्टर में कोई भी पसंदीदा फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर वो उर्दू का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, कोई भी फ़ॉन्ट है, आपने जस्ट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आप कांड मास्टर को ओपन करेंगे और डायरेक्ट आपका फ़ॉन्ट जो है वो कांड मास्टर में ऐड हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि आपको APK एडिटर को यूज़ करना पड़ता था, बाज़ वक़्त वो वर्क करता था, बाज़ वक़्त एरर आ जाता था, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। आप डायरेक्ट अपना कोई भी फ़ॉन्ट कांड मास्टर में इस्तेमाल कर पाएंगे। एक नहीं, आप 4 या 5 फ़ॉन्ट भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मेरा नाम सैम जुवेदर, आप देख रहे हैं डिजिटल सैम चैनल पर। नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऑनलाइन अर्निंग और दीगर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। तो चलिए गाइज, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल में चला जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने अपना फ़ोन डाउनलोड कर लेना। अगर तो वो अनजिप फाइल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने उसे अनजिप करना है। अनजिप करने का क्या तरीका है, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपने जहाँ पर अपना फ़ोन डाउनलोड करके रखा हुआ उसे ओपन कर लेना, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपको RAR नाम की एक ऐप भी मिलती है प्ले स्टोर पर, ये आपको सामने नज़र भी आ रही है। इसको यूज़ करते हुए भी आपने डायरेक्ट इसको ओपन करना है और जाना है अपने उस फोल्डर में जहाँ पर आपने फ़ोन डाउनलोड किया है, तो वहाँ पर आपने जिस पर क्लिक करना है तो नीचे आपको यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने इसे सेव कर लेना। सेव करने के बाद अब आपने काइंड मास्टर को ओपन कर लेना। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में आ चुका हूँ, मेरे सामने यहाँ पर कांड मास्टर ओपन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वीडियो बना रखी है, पहले ही मैंने ऊपर यहाँ पर टाइप किया है इमरान खान पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर। इस पर मैं टैप करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद आपको साइड पर यहाँ पर फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने फ़ोन में चले जाना है। फ़ोन में जाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मेरे पास ऑप्शन एक शो हो रहा है माई फ़ोन का, इस पर मैं टैप कर देता हूँ। इस पर टाइप करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास 2 फ़ोन पहले से ऐड हैं, जमील नूरी नस्तालीक और जमील नूरी नस्तालीक कशीदा, 2 फ़ोन यहाँ पर ऐड है। अब आपको यहाँ पर मैं एक और अहम चीज़ बता दूँ कि कांड मास्टर में खुद का भी एक फ़ोन दे दिया है। सबसे पहले आपको वो बता दूँ कि वो फ़ोन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही टाइप किया तो आप यहाँ पर देखेंगे साइड पर आपको काफ़ी सारे फ़ोन नज़र आएंगे। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको उर्दू का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर टाइप करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक उर्दू का फ़ोन भी आ जाएगा, इसको नोटो नस्तालीक उर्दू कहते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो इस पर आप टाइप करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सारा फ़ॉन्ट है, तकरीबन जमील नूरी के जैसा ही फ़ॉन्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वो मेथड देखें कि कैसे आप जो कोई भी बाहर से फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपने यहाँ पर आपने देखना है कि आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्लस का, आपने सिंपली इस पर टैप कर देना। आप जैसे इस पर टैप करेंगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद अब आपने जहाँ पर अपना फ़ोन जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने उस फ़ोन पर टैप कर देना। जैसे ही यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोन है, आपको यहाँ पर असलम TTF जो है ये फ़ोन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इस पर मैं आपके सामने टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लुक मिलेगा, आपको वो बताएंगे कि आपका फ़ोन जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है असलम, इस पर जैसे ही मैं टैप करूँगा तो मेरे पास जो फ़ोन है वो इसका फ़ोन का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी यूनिक सा आपको लगेगा। अगर आपने इसकी जगह कोई और फ़ोन ऐड करना है तो आप और भी फ़ोन ऐड कर सकते हैं। इसका मैं फ़ोन आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। दोबारा मैंने इस पर टैप किया, फ़ोन पे गया। फ़ोन में जाने के बाद माई फ़ोन यहाँ पर मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जमील नूरी नस्तालीक पर और ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इसका फ़ोन स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे सिंपल वे से यार आप किसी भी फ़ोन को अपने कांड मास्टर में ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक अहम चीज़ बता देंगे, कांड मास्टर कुछ ऐसे वर्जन होते हैं जिनमें आपको फ़ोन ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। हमेशा वही कांड मास्टर यूज़ करें जिसमें फ़ोन ऐड करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो कुछ गूगल पर भी आपको ऐसे वर्जन मिल जाते हैं, लेकिन उनको आपने सेफली यूज़ करना है। किसी रफ़ मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ तो आप समझते ही होंगे। आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मजीद अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।